पंचायत लगातार पॉलिटिकल हैं, यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडीसी में इनकम टैक्स भेज देती है। अगर आज देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे जा रही है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, भारत सरकार जिम्मेदार है। ममता जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं जी से मिलूंगा आज 5 बजे, और क्योंकि उनसे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उनसे मैं मिलूंगा जरूर। आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। भारतीय पार्टी के साथ ममता दीदी का बहुत अच्छा तालमेल है। जया बच्चन जी आई थी 21 के चुनाव में। ये प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सीबीआई और ईडी जांच चल रहा है, काफी सारे कांग्रेस का आपसे मिलूंगा और देश की जो हालात है उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी, और ये तैयारी है 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है, और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रही है। आज लोकसभा जहां पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी।